हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिता भाटिया और आज मैं आपको क्लास 11 की मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आगे पढ़ाऊंगी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट खत्म करा दिया था। इस वीडियो में मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगी। पहले तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एग्जाम्पल्स शुरू कराए थे, इस वीडियो में मैं आपको फर्दर एग्जाम्पल्स कराऊंगी। तो आज का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 16, पेज नंबर 111। क्वेश्चन है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू आयोटा माइनस वन अपॉन कॉस पाई बाय थ्री प्लस आयोटा साइन बाय पाई बाय थ्री इन द पोलर फॉर्म। हमें इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। सबको पता है पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म हमने पढ़ी थी। पोलर फॉर्म होती है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर आर इज द जेड मॉड्यूलस, थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब आर्गुमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम थीटा यूज कर रहे हैं उसके उसको हम आर्गेंड प्लेन पे बनाते हैं, इसलिए उसका नाम आर्गुमेंट होता है। और प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू कहीं भी लाई कर सकती है फोर आर्गेंड प्लेन्स में से। तो अब हम शुरू करते हैं। z इज इक्वल्स टू आयोटा माइनस वन अपॉन कॉस पाई बाय थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाय थ्री। हम पहले क्या करेंगे, हम इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने से पहले आप कभी भी आपको ऐसे कोई इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में मिल जाए डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, आपको पहले उसको रैशनलाइज करना है, फिर आप उसको आगे सॉल्व करेंगे। ये है कॉस पाई बाय थ्री। कॉस पाई बाय थ्री कितना होता है? कॉस 180 बाय थ्री मतलब कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्या होता है? 1 बाय टू। कॉस 60 डिग्री होता है 1 बाय टू प्लस साइन थीटा क्या था हमारा? 60 निकाला हमने अभी, तो साइन 60 क्या होगा, मतलब साइन पाई बाय थ्री क्या होगा? 1 बाय रूट थ्री बाय टू। तो ये आ गया रूट थ्री बाय टू आयोटा, रूट थ्री बाय टू आयोटा। फिर मैं एलसीएम ले रही हूँ नीचे वाले पार्ट का, आयोटा माइनस वन ओवर वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। जब मैं ये वाला हिस्सा इससे डिवाइड करूंगी तो ये टू ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा माइनस वन इंटू टू बाय वन प्लस रूट थ्री आयोटा। इसका मतलब आयोटा माइनस वन इंटू टू होल इंटू टू अपॉन वन प्लस रूट थ्री आयोटा। ये तो हमने इसकी फॉर्म खोली है, अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो आयोटा वाला जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके आगे वाला साइन हम चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर से हम एक बार डिवाइड करते हैं। इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आयोटा, मैं इसको टू को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, टू आयोटा माइनस टू इंटू वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन वन प्लस रूट थ्री आयोटा इंटू वन माइनस रूट थ्री आयोटा। फिर जब आप इस स्टेप के बाद इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, मैं ऊपर वाले पार्ट को अलग मल्टीप्लाई कर रही हूँ नीचे वाले पार्ट को अलग, तो मेरा ये क्या आएगा, टू आयोटा, टू आयोटा इंटू वन माइनस टू इंटू वन माइनस टू, फिर टू आयोटा माइनस थ्री आयोटा, मतलब टू रूट थ्री आयोटा स्क्वायर, टू माइनस टू इंटू माइनस रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री आयोटा होल अपॉन वन ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या आएगा आपका, टू आयोटा प्लस टू रूट थ्री आयोटा, ये हो जाएगा, मैंने टू और मैंने आयोटा इसमें से कॉमन ले लिया, टू आयोटा कॉमन ले लिया, अंदर ये बचा,
माइनस टू। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन। माइनस वन इंटू माइनस टू रूट थ्री, ये वाला माइनस इसका और ये वाला माइनस इसका, ये प्लस होके क्या बन जाएगा? रूट थ्री, टू रूट थ्री। और मैंने इसमें से भी टू कॉमन ले लिया, इस वाले स्टेप में से भी। पहला मैं आपको ऐसे लिख के दिखा देती हूँ, प्लस टू रूट थ्री अपॉन वन स्क्वायर माइनस थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। फिर इस स्टेप के बाद जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या इस वाले पार्ट में से ये पार्ट तो एज इट इज आ जाएगा, टू ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस वन इंटू आयोटा माइनस टू कॉमन, इसमें से टू कॉमन, अंदर क्या बचा मेरा? अंदर बचा मेरा रूट थ्री, रूट थ्री हम यहाँ पे प्लस लेंगे क्योंकि मुझे ये वाली फॉर्म बनानी है। मैंने यहाँ पे प्लस लिया तो मेरा क्या आया? अंदर टू मैंने कॉमन ले लिया, प्लस का साइन मैंने बाहर, इसका मतलब ये आया रूट थ्री माइनस वन अपॉन होल अपॉन वन का स्क्वायर वन और थ्री इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन आप यहाँ पुट करेंगे, माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन, प्लस थ्री मतलब, और ये ऐसा आ जाएगा रूट टू इंटू रूट थ्री प्लस वन आयोटा प्लस टू इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन फोर। मतलब रूट थ्री प्लस वन आयोटा, मैंने ऊपर से टू कॉमन ले लिया, प्लस रूट थ्री माइनस वन बाय टू, ये आ गई मेरी, ये तो आ गई मेरी इसको रैशनलाइज करने के बाद फॉर्म। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? इसके बाद हम निकालेंगे इसकी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं? पोलर फॉर्म निकालने के लिए इस वाले हिस्से का हम क्या करेंगे? मॉडुलस। अब हमारा न्यू जेड आ गया, इस वाले हिस्से का हम मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं? आर निकालेंगे, आर मतलब जेड मॉडुलस। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है? रियल वाले पार्ट का स्क्वायर रूट थ्री माइनस वन बाय टू। बाय टू क्यों? क्योंकि ये वाला टू इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी सेपरेट होगा और रियल पार्ट के नीचे भी होगा। का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? दोनों के अपॉन में फोर तो आएगा। अब हम इसको खोल देंगे, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे? रूट थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री, बी स्क्वायर मतलब वन माइनस टू रूट थ्री प्लस थ्री प्लस वन प्लस टू रूट थ्री। ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन फोर। ये वाला पार्ट आप इधर लेके जाएंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? फोर प्लस फोर, फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन फोर प्लस फोर प्लस टू रूट थ्री अपॉन फोर। फोर आप इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे से, ये क्या आएगा? फोर प्लस फोर माइनस टू रूट थ्री
प्लस फोर प्लस टू रूट थ्री, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, इसका डिनोमिनेटर सेम था तो इसका मतलब ये आपस में प्लस हो जाएंगे, फिर टू रूट थ्री से टू रूट थ्री कैंसिल, प्लस माइनस से कैंसिल, आंसर क्या आया 8/4 मतलब रूट टू। जेड मॉड्यूलस आ गया मेरा रूट टू, मतलब आर की वैल्यू आ गई रूट टू। आर की वैल्यू आ गई रूट टू। अब हम निकालेंगे टैन टैन थीटा, हम टैन अल्फा भी लिख सकते हैं इसको, अपॉन इज इक्वल टू मॉड में इमेजिनरी ऑफ जेड अपॉन रियल ऑफ जेड। इमेजिनरी ऑफ जेड मतलब जेड का इमेजिनरी पार्ट। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला क्या था, हमने निकाला था z इज इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन प्लस रूट थ्री प्लस वन इंटू आयोटा बाय टू, हमने z निकाला था। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आप ये मेरे साथ साथ देख सकते हैं पेज नंबर 111 पे, मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है, रूट थ्री प्लस वन बाय टू अपॉन रूट थ्री माइनस वन बाय टू इज इक्वल्स टू, जब ये मॉड से बाहर आएगा तो ये एज इट इज आएगा, अंडर रूट थ्री अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस वन। सो फ्रेंड्स ये तो आ गया हमारा टैन अल्फा, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में इसका आगे समझाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में ईजी हो। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।